हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो कि आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज मैं आपको साइंस यानी विज्ञान की कहानी सुनाऊंगी। संकटमोचक हनुमान जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, परंतु क्या आपने संकटमोचक हार्मोन का नाम भी सुना है? तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके शरीर की एक ग्रंथि में यह संकटमोचक हार्मोन स्टोर्ड होता है, और जब आप किसी संकट की स्थिति में होते हैं, तब उस ग्रंथि में से ये विशेष प्रकार का हार्मोन निकलने लगता है, और इसी हार्मोन के कारण आप उस संकट की स्थिति से बाहर निकल पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अपने सामने आई चुनौती को निश्चित टाइम लिमिट में पूरा कर देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा कभी भी नहीं कर पाते। दोनों में इसी हार्मोन का अंतर होता है, तो उस हार्मोन के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तो उस संकटमोचक हार्मोन का नाम है एड्रीनेलिन, जिसे इंग्लिश में फ्लाइट, फ्राइट और फाइट हार्मोन कहा जाता है, यानी कि भागो, डरो या लड़ो। जिस व्यक्ति के शरीर में इस हार्मोन का संतुलन होता है, वह चुनौतियों को स्वीकार करता है और उन पर जीत भी हासिल कर लेता है। ये हार्मोन हमारी किडनी, वृक्क या गुर्दे के ऊपर स्थित दो छोटी सी ग्रंथियों, जिनका नाम एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि होता है, उनके द्वारा सिक्रीट या स्रावित किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस हार्मोन का नाम एड्रिनेलिन क्यों है? क्योंकि प्रत्येक विषय की अपनी एक शब्दावली या टर्मिनोलॉजी होती है, और यदि हमें टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। इसी प्रकार जीव विज्ञान या बायोलॉजी विषय की भी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। तो एड्रिनलिन हार्मोन का नाम कैसे बना, इसके लिए हमें रीनल और एड्रिनल जैसे शब्दों को समझना होगा, क्योंकि किडनी को रीनल भी कहा जाता है, और इसी रीनल के ऊपर स्थित होने वाली ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, और इस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को एड्रिनलिन कहा जाता है। ये एड्रिनलिन हार्मोन हमारे मस्तिष्क या ब्रेन में स्थित पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, जिसके कारण हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है।